सीटीपी मिथिला में आपका स्वागत है। मैं लवली झा। डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में ग्रामीण सिने फाउंडेशन के द्वारा बिहार विरासत कला एवं फिल्म महोत्सव 2018 के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह बिहार एक विरासत नाम से प्रतियोगिता चलाई जा रही है। यह बिहार के सभी 9 कमिश्नरी में हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, जो लुप्त होती जा रही है, तो उसी से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उसी से अवेयर कराने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। क्या क्या आयोजित किया करवा रहे हैं इसमें? एशिया पेंटिंग और फोक डांस प्रतियोगिता हो रहा है। एशिया पेंटिंग और फोक डांस का सबका टॉपिक बिहार एक विरासत दरभंगा कमिश्नरी है। फोक डांस में भी जो यहाँ का लोकल झिझिया टाइप से जो भी गाने हैं, उसी पे बच्चे लोगों को डांस करना है, जिससे यहाँ पे जो लुप्त हो रही है, जो हमारी संस्कृति है, उसको फिर से पुनर्जीवित किया जा सके। ये प्रोग्राम आप हमेशा करते हैं या कभी कभी? नहीं, यह प्रोग्राम लगातार 3 सालों से चल रहा है। बिहार के सभी 9 कमिश्नरी में यह प्रतियोगिता आयोजित हो रहा है। कमिश्नरी में जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएंगे, फिर उनका राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होता है पटना में। ये भविष्य में होती ही रहेगी? हाँ, यह अगर आप लोग का आशीर्वाद और सहयोग रहा तो हमेशा होता रहेगा। बिहार पटना से। शिक्षकों के निलंबित वेतन भुगतान हो जाने से बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेताओं में खुशी की लहर है। शिक्षकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एवं मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। साथ ही जिलाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को साधुवाद दिया। चार सालों से बहादुरपुर प्रखंड के पंचायत प्रखंड शिक्षकों का भुगतान जो है सो नहीं हो रहा था। कई बार इन लोगों ने धरना दिया, लेकिन जिला पदाधिकारी के द्वारा भी आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बार ये लोग सोच के बैठे थे कि अंतिम सांस तक संघर्ष करें, और इन लोगों ने जो संघर्ष किया, कल आपको जैसा ज्ञात है कि जिला प्रशासन के द्वारा आनन फानन में 11 बजे रात में जबरन उस जगह को खाली करा दिया गया, और सभी महिलाएं शिक्षिका सड़क पर जो है आके बैठी रही। लेकिन खुशी इस बात की है कि भले जो हमारा इशू था वेतन भुगतान का, उस पर जो है सो जिला पदाधिकारी के द्वारा सकारात्मक पहल किया गया, और जिला शिक्षा पदाधिकारी को हम धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा जो है सो पहल की गई, और बीओ को 12 बजे रात में जो है सो चिट्ठी इशू करवा के सभी हेडमास्टर को दिए, और सबका उपस्थिति जो है बनवाए, और आज जाके बैंक में इन लोगों का जो है 27 शिक्षकों का जो है सो वेतन चला गया। ये कहां समस्या है? जो एक हमारे शिक्षक हैं पंकज कुमार, जिनके एचएम है, क्या नाम है उनका, विमलेश मिस, उनके द्वारा एबसेंटी नहीं दिया गया। मैं जिला पदाधिकारी से और जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग करता हूं कि ऐसे एचएम को जो है अविलंब जो है प्रभार से मुक्त किया जाए, और पंकज कुमार का जो है 2 दिन के अंदर में जो है सो भुगतान सुनिश्चित की जाए। और हम सभी हमारे बहादुरपुर के जो शिक्षक शिक्षिका हैं, खुशबू जी, सहनाज जी,
हमारे जो है गजेंद्र जी जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उन सबों को हम धन्यवाद देते हैं, साथ में मीडिया के जितने प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा जो है हम लोगों की आवाज़ को उठाया गया और आज जाके सफलता मिली है और सभी को जो है हम धन्यवाद देते हैं। वैसे समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति जो इस आंदोलन को साथ दिए उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। जय शिक्षक संघ सौरभ सिंह जिला सचिव दरभंगा। खुशी तो बहुत हो रही है कि हम लोग के अकाउंट में इतना संघर्ष के बाद हम लोग के अकाउंट में पैसा पहुंच गया है। अब इसके लिए धन्यवाद हम बहुत बहुत देना चाहेंगे जितने मीडिया वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, हमारे सौरभ सिंह जी सचिव हैं वो, और जितने भी हमारे शिक्षक संघ ग्रुप के हैं, जित सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्हीं लोग के कारण हम लोग का वेतन आज हो पाया है। कितने शिक्षक थे और कहाँ नियुक्त थे? जी 27 टीचर हम लोग अभी फिलहाल हैं, 32 टीचर से जिसमें 3 का पहले से हो चुका है, 29 टीचर अभी फिलहाल है जिसमें 27 का भुगतान हुआ है अभी और 2 का अभी नहीं हुआ है। पंकज जी, क्या नाम हुआ जी? सहनाज बानो, प्राथमिक विद्यालय मुठभा से। चीनी मिल को चालू करने एवं गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर करने की मांग को लेकर गुरुवार को गन्ना किसान चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया गया। सरकार किसानों को उन्नत बीज खाद और मुहैया कराना होगा, अरे गन्ना किसानों को उचित समर्थन मूल्य देना होगा। विकास विरोधी बिहार सरकार होश में आओ, अरे विकास यात्रा की नौटंकी बंद करो। लोग गन्ना विकास गन्ना और चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति के गन्ना किसान चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 5 सूत्री मांगों के समर्थन में आज हम लोग आयुक्त कार्यालय के समक्ष अपने अपने खेतों से गन्ना लेकर के आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन किए हैं और आने वाले दिनों में हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोगों का मांग है कि गन्ना किसानों को समय पूर्व हम लोगों को गन्ना का बीज उपलब्ध कराया जाए, उन्नत प्रभेद का बीज उपलब्ध कराया जाए, साथ ही खाद उपलब्ध कराया जाए जिससे किसान अपना खेत करे, साथ ही किसानों की गन्ना को लेने की व्यवस्था हो, साथ ही किसान को गन्ना किसानों को उचित समर्थन मूल्य मिले। सरकार सिर्फ घोषणा करती है और समर्थन मूल्य नहीं मिलती है। सरकार किसान औने पौने दाम में जो अपना उपजा होती है उस उपजा को बेचने के लिए मजबूर हो जाती है। इसलिए मैं बिहार सरकार से यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनसे मांग करते हैं कि अविलंब सकरी रोहट रैयाम चीनी मिल ये जो नौटंकी कर रही है बिहार सरकार, चीनी मिल को बेचने की बात कर रही है, इन बेच करके दे दिए हैं। ये नारियल फोड़ने का काम आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कितनी बार रैयाम चीनी मिल पर नारियल फोड़ने का काम हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से, विकास पुरुष कहलाने वाले मैं बिहार के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आखिर कितने बार वहाँ पर नारियल फोड़वाने का काम आप रैयाम चीनी मिल के अंदर में करे। शीघ्र और शीघ्रात 1 साल के अंदर में उन्होंने अगर घोषणा किया है तो चीनी मिल को प्रारंभ करने का काम करे जिससे यहाँ के किसानों में उम्मीद जगे। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोगों ने गन्ना लेकर के प्रदर्शन किए हैं और आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ प्रत्येक किसानों के खेत से हम लोग ट्रैक्टर में गन्ना लाद करके, ट्रकों में गन्ना लाद करके इन आयुक्त कार्यालयों में, इन जिलाधिकारी के कार्यालयों में गन्ना भरने का काम हम लोग करेंगे। वाहन की ठोकर लगने से गुरुवार को एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया, घायल को DMCH भर्ती कराया गया, वही गाड़ी को थाने में जब्त करके रखा गया है। अहिल्या स्थान रही टोल सड़क निर्माण की मांग को लेकर गुरुवार को भाकपा माले जाले प्रखंड की कमेटी के सदस्यों ने एक दिवसीय धरना दिया। जिलाधिकारी को हुई सूत्री मांगों को ज्ञापन भी सौंपा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद भाकपा माले जिंदाबाद।
नेतृत्व में उमरौली अहिल्या स्थान पर्यटक स्थल होते हुए अहियारी गोट रही टोल तक 2009 में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पास हुआ था, प्राकृतिक राशि भी आ गई और सड़क निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उस समय के ठेकेदारों ने खरंजा को कोर करके गड्ढा बना दिया और आज तक वो सड़क निर्माण नहीं हुआ। उसके सवाल को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दरभंगा जिलाधिकारी के समक्ष है और मुख्यमंत्री जी कल विकास यात्रा समीक्षा यात्रा के दरमियान दरभंगा में आ रहे हैं और ये कमलपुर जा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी को धरना के माध्यम से कहना चाहते हैं, कमलपुर जाने में आपको तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा, बगल में घोसलावर गांव है जहां आप चले जाइए, आज़ादी के 70 साल में आज भी उसको पहुंच सड़क नहीं मिला है। आज भी वहां 2018 में पहली बार 4 लड़की मैट्रिक में परीक्षा देने में शामिल होगी, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है और इनको विकास के समीक्षा करना है, जिनको घोसलावर जाना चाहिए जो कि इनके कलेक्ट्रेट के बगल का गांव है, इसलिए ये विकास की समीक्षा करने नहीं आ रहे हैं, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए आ रहे हैं कि अगली बार 2020 में ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और बिहार के किसानों को आज तक फसल क्षति मुआवजा नहीं मिला है। इन तमाम सवालों को लेकर के भाकपा माले के नेतृत्व में यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है और जब तक पर्यटक स्थल अहियारी का अहिल्या स्थान का सड़क नहीं बन जाता है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम प्रशासन के गिदर भक्की से डरने वाले नहीं हैं। के कुमरौली चौक से लेकर अहिल्या स्थान पर्यटक स्थल होते हुए अहियारी रहितो तक सड़क जाती है जो कि अहियारी गोट का मुख्य सड़क है, वही सड़क से लेकर हम कमतौली स्टेशन जाते हैं, वही सड़क से लेकर हम दरभंगा के कलेक्ट्रेट पर आते हैं, कोर्ट कचहरी आते हैं। 2010 में ये सड़क बन जाना चाहिए था, 2010 में जिसको टेंडर मिला वो ठेकेदार ने क्या किया, उस खरंजा को उखाड़ के खरंजा ईटा को ही बेच लिया गया और उसके बाद उस पर जो है कह लीजिए कि चलना मुश्किल हो गया। कई बार कह लीजिए कि महिलाओं को जो प्रसव होता है उसके लिए घर में दो दो महिला दम तोड़ दिए 2010 से लेकर अब तक में। पिछले बार हम लोगों ने पंचायत के जनप्रतिनिधि ने उसी सड़कों पर दरभंगा के डीएम को जो वर्तमान डीएम है उनको अल्टीमेटम देते हुए और स्कूटी को अल्टीमेटम देते हुए हम लोगों ने सड़क पर बैठा था अनशन पर 28 जुलाई 2016 को दरभंगा के डीएम साहब और स्कूटी साहब से लेके और दो दो को विधायक आया और विधायक आने के बाद में और स्कूटी साहब और डीएम साहब ने कहा कि 3 महीना का मोहलत दीजिए, वो 3 महीना में सड़क बन जाएगी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सड़क अब तक नहीं बना है, वो सिर्फ जो है घड़ियाली आंसू बहा के और चले आए वादा करके। 28 जुलाई 2016 से लेके अब तक में हम यानी पंचायत समिति सदस्य वहाँ से चुने हुए हैं, हमारे बगल में मुखिया जी बैठे हुए हैं, नागेंद्र शर्मा जी सरपंच साहब है, लगातार हम लोगों ने दरभंगा के डीएम से लेके एसडीओ से लेके स्कूटी से लेके 50 मरतबा हम लोगों ने मिला, सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। और उसके बाद में बाढ़ जो आ गई है, बाढ़ आने के बाद में कह लीजिए कि उसमें महज 50 टेलर रोड़ी गिरा है और रोड़ी के उस नाम पे 14 लाख रुपए का वाउचर बना के उस सड़क का पैसा का लूटा जा रहा है, इसकी हम मांग जांच की मांग करते हैं। दूसरी बात में जिस टाइम में हम लोगों ने अनशन पर बैठा था उस टाइम में ट्रेवल किया गया था सड़क को, महज 70 टेलर रोड़ी दिया गया था और उसमें 7.5 लाख रुपए का वाउचर बना के लूटने का काम किया है। अभी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, 2014 में अहिल्या स्थान में गए थे, वो अहिल्या स्थान में मुख्यमंत्री जी ने जनता से वादा किया था कि महज 3 महीना में, हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये 3 महीना का परिभाषा क्या होता है। डीएम साहब भी बोल रहे हैं 3 महीना, मुख्यमंत्री जी बोले थे 3 महीना, लेकिन 3 महीना तो क्या 2014 से लेकर अब तक 3 महीना नहीं गुजरा है। दूसरी बात, उन्होंने वहाँ कह के गया था कि 3 महीना में सड़क बन जाएगा, आज तक उस पर सड़क नहीं बना और जब हम लोगों ने अनशन किया तो उस सड़क पे कह लीजिए कि 70 टेलर रोजी दे के उसकी जो है वाउचर बना दिया गया। तीसरी बात हम लोगों का है कि बाढ़ में बहुत सारे लोग छूटे हुए परिवार है, उसको हम लोग अविलंब उसका फसल क्षति मुआवजा की मांग करते हैं और बाढ़ राहत से छूटे हुए लोगों गरीबों को नाम जोड़ने की मांग करते हैं, वृद्धावस्था पेंशन में भारी पैमाने पर अनियमितता है। दूसरी बात, जाले के भीतर जी आज से क्या कर रहे हैं, आज से हम लोगों को जब तक ठोस निर्णय हम लोगों को नहीं मिल जाएगा, सड़क पर हाथ नहीं लगाता है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, इसके लिए हम लोग तैयार है। डीएम साहब को प्रशासन है वो हम लोगों को जेल भेजे कि जो करे हम लोग करने के लिए तैयार है।
हम लोग, लेकिन जब तक सड़क में हाथ नहीं लगेगा हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। खबरें अभी और भी हैं। सेंट्रल पब्लिक स्कूल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पता BMP 13 सोनकी रोड दरभंगा एवं दूसरा पता सत्संग नगर भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। यहाँ कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, डांस, म्यूजिक, खेल, ट्रांसपोर्ट, पीने योग्य पानी और CCTV कैमरे की व्यवस्था है। यहाँ हॉस्टल की सुसज्जित सुविधा है। संपर्क करें फर्स्ट ब्रांच BMP 13 सोनकी रोड और सेकेंड ब्रांच भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। धर्मिंदर वीडियो कैमरा एंड वीडियो मिक्सिंग लैब, पता बाजितपुर मिल्कीचक दरभंगा। यहाँ प्रत्येक शुभ अवसर पर HD वीडियो रिकॉर्डिंग, DSLR फोटोग्राफी, करिश्मा एल्बम, साउंड और DJ ट्रॉली, लाइट डेकोरेटिंग एवं वीडियो मिक्सिंग भी किया जाता है। संपर्क करें बाजितपुर मिल्कीचक दरभंगा। कॉन्टैक्ट नंबर 9304520139। पांच सूत्री बागों को लेकर 14 दिसंबर को मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा मधुबनी जिले के द्वारा अनुमंडल मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना व सामूहिक उपवास किया। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है ये आपको जोरवार पंचायत के जितने भी पब्लिक आए हुए हैं, हाँ वो सब पांच सूत्र के मांग के लिए बैठे हैं अनुमंडल कार्यालय जयनगर में, उसका सहयोग करने। सबसे पहले सर आप अपना शुभ नाम बता देंगे। मेरा नाम गंगेश कुमार जी, हम खजौली से हैं जी, मधुबनी जिला के मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा के जी जिला सचिव जी। और ये देखिए ये चेक है जो दिए हैं वो बाढ़ पीड़ित को 4100 रुपया का जी, वो चेक देख रहे हैं जो 14000 बोले थे कि 14000 मिलेंगे जी, वो 4100 रुपये के मिले हैं जी। और उसका भी देखिए चेक बाउंस कर गया है जी, हाँ ये चेक अभी तक भज नहीं पाए हैं जी जी। यहाँ का गरीब गुरबा आदमी को मिले हैं जी, बाढ़ पीड़ित आदमी सबको, और कोई व्यवस्था इसमें नहीं ला रहे हैं बिहार सरकार। तो आपकी मांगे क्या है सर बिहार सरकार से? मेरा मांग ये वही है अस्थाई निवास हो और जयनगर से खजौली के लिए रोड जो 36 ग्रस्त हो गए हैं उसको बनवाया जाए जी, और स्कूल में विद्यार्थी सबको शिक्षा उपलब्ध कराया जाए जी, जहाँ पे शिक्षा में कमी हो वो बिहार सरकार अपना उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। अच्छा सर ये धरना प्रदर्शन आप लोग किए इसका मतलब बताइए। देखिए जो हमारी जो धरना प्रदर्शन है मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो हमारी पांच सूत्री मांगे हैं जी, जो आज दुर्वार गांव के जो परमोत्रा पंचायत जो दुर्वार पंचायत के जो परमोत्रा गांव है वहां पे कम से कम 80 लोग बेघर हो गए हैं जी, जो भूमिहीन है बिल्कुल, उनके पास में रहने के लिए भी समस्या है इतना जो कि रोड पे आज है। 1.25 साल पहले हमारे माननीय संसद महोदय जी आए हुए थे, विधायक जी आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिए हुए थे कि हम आज जो है सो आप लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। हम अपने स्तर से पूरी तरह से सरकार से मांग करते हैं कि जो आपने आपकी मांग पूरी नहीं हुई अभी तक पूरी, तो उस समस्या को लेकर के हम लोग आज जो है सो मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना और सौ उपवास का कार्यक्रम रखे हुए हैं। जो हमारे मांगे हैं वो मांगे पांच सूत्री मांगे हैं। पहला मांग है हमारा जो बाढ़ पीड़ितों है उनको जो है सो पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। दूसरा बाढ़ से जो है सो अस्थाई निवास निदान की जाए। तीसरा है सरकारी स्कूलों में जो बच्चे को समय पर किताब नहीं मिल रहे हैं वो समय पर किताब उपलब्ध कराई जाए। चौथा मांग है हमारी जो जयनगर से मुख्य रोड जो है सो खजौली के लिए जाती है वो रोड बहुत बुरी तरह से विचित्र है, आप लोग देख रहे होंगे किस तरह के हैं, आप लोग भी जा रहे होंगे देखते होंगे। तो हमारा जो मांग है सरकार से जो उसकी जो है सो अस्थायी रूप से निदान की जाए। पांचवा मांग है हमारी दुर्वार सिंगराही चौक से लेकर के दुर्वार का मुख्य पथ जो है भाया टेढ़ा उसका जो है सो अस्थायी निदान की जाए। ठीक है, तो इन पांचों मांगों को लेकर के हम लोग मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा की तरफ से आज जो है सो एक दिवसीय धरना और सौ उपवास का कार्यक्रम रखे हुए। जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राम सफल यादव है, मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा से मैं मधुबनी जिला अध्यक्ष हूँ जी। और हमारी जो ये कार्यक्रम है वो आज हमारी अध्यक्षता में हो रहे हैं मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा।
आप अध्यक्ष हैं? हाँ, मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा के मधुबन जिला से मैं अध्यक्ष हूँ और जो ये हम दुर्वार के निवासी हैं और दुर्वार के जो ये कार्यकर्ता है ये पूरे मधुबनी जिला से आए हुए हैं, कोई खजूली से आए हुए हैं, कोई मधुबनी से आए हुए हैं, कोई राजनगर से है, कोई बेनीपट्टी से, सब जगह से आए हुए हैं। खास करके बरमोत्रा जो दुर्वार गाँव है वहाँ के जितने भी देख रहे हैं आप, ये महिला सब है रोड पे जो है सो रोड पे रह रही है बेचारी, इनको रहने के लिए घर नहीं है। ये हमारे जो बहरे अंधे गूंगे जो सरकार है वो सुन रहे हैं, इनकी समस्याएं भी सुन रही है। दिन लेकर के हम लोगों ने एक ठीक है, धन्यवाद सर, आपने हम मेरे साथ दिया है स्टेट में दिया, ठीक है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार दहेज के खिलाफ पूर्ण दहेज बंद करने की बात कह रहे हैं, लेकिन एक बार फिर दहेज लोभियों की शिकार बनी एक नवी विवाहिता। जी हां, ताजा मामला आंध्रा ठाणी थाना क्षेत्र के देवहार गांव की है, जहां ससुराल वालों पर दहेज की खातिर मार देने का आरोप लगा है, जहां दहेज की खातिर एक नवी विवाहिता को मौत की नींद सुला दी। बड़े ही अरमान से रमन झा ने अपनी बच्ची की आरती की शादी आंध्रा ठाणी थाना के देवहार गांव के ब्रजेश झा से 17 फरवरी 2016 को की। ब्रजेश झा बैंक में पीओ के पद पर था और ससुर नगर थाना के एसआई पद पर कार्यरत है। मधुबनी पुलिस को बड़ी एक सफलता मिली, आंध्रा ठाणी थाना पुलिस ने मृतक के आरोपी ससुर कृपानंद झा को गिरफ्तार कर लिया और व्यवहार न्यायालय में पेश किया। यह आरोपी टाउन थाना दरभंगा में एसआई के पद पर है और यह काफी दिनों से फरार चल रहा था, पुलिस के कि इसके लिए चुनौती थी। मृतक का के शादी के समय काफी नाराज दहेज जेवरात दिया था, मगर क्या पता कि ये सारा का सारा व्यर्थ चला जाएगा। नवनीत विवाहिता आरती झा को गोद में एक 9 माह का बेटा भी है। आरती की मां ने बताई, काफी शौक से हमने अपनी बेटी की शादी रचाई, कोबर का रंग फीका भी नहीं हुआ, जयमाला का माला भी टंगा हुआ है, लेकिन हमारी बेटी को ससुराल वालों ने मार डाला। 2 तारीख के रात वो हमको कृपा झा फोन किए जो आप आ जाइए मधुबनी, अकेले हम लोग गए वहाँ ताला लगा हुआ था। उसके बाद वहाँ से गए देवहार में मेरे साथ बाइक पोर्ट तो दिखा लिया। उसके बाद हम लोग घर पर आ गए, सदमा में थे, इतना हॉस्पिटल में थे। उसके बाद से हम लोग 7 तारीख को FIR लॉज हुआ है। मामला दहेज का था या लेन देन का है, प्रेशर में था, गाड़ी मांग रही थी, लग ले ये लेंगे तो लग ले वो लेंगे, यही सब और क्या, यही और कि स्टेट बैंक में जयनगर में पोस्टेड हैं, इसी के चलते हम शादी किए। 16.5 लाख पर तय हुआ, 14,50,000 रुपया हम अकाउंट के से दिए, 2 लाख रुपया नगद दिए। उसके बाद फर्नीचर हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, जितना नहीं हो सका उतना तक हम किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सात निश्चय कार्यक्रम को जमीन पर देखने के लिए शनिवार को दरभंगा जिला के बिरौर प्रखंड स्थित भवानीपुर पंचायत का भ्रमण करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर ग्रामीणों में काफी हर्ष है। सीटीवी की टीम गुरुवार को बिरौर पहुंची एवं सीएम के आगमन को लेकर किस तरह की तैयारी हो रही है उसका जायजा लिया। देखते हैं सीटीवी की विशेष रिपोर्ट। सीएम का आगमन शनिवार को बिरौल में। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर गांव को सजने संवरने में लगे लोग। दरभंगा जिले की बिरौल प्रखंड के भवानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 एवं वार्ड नंबर 12 में सीएम के आगमन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। महादलित बस्ती में सीएम के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में काफी हर्ष है। गांव की महिलाएं अपने घरों को सजने संवारने में लगी हुई है, वहीं स्थानीय लोग गांव को साफ सुथरा करने में जुटे हुए हैं। Thank you.
आप लोग अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री आता है ना, उनके लिए साफ सफाई करता है। क्या क्या कर रहे हैं? घर में सफाई करता है। क्या क्या काम हुआ है आपके गांव में? शौचालय बन गया, अथी लोन ले गए छे, घर द्वार नीप पोत ले लिए, घर द्वार सब चीज कह लिए, बड़ खुशी छे, सब चीज बना दिलक। चावल क्यों फटक रही है? खाना के लिए तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। खाना खिलाना है आपको? हाँ, खाना खिलाना है। क्या नाम हुआ आपका? इधर सीएम के कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा एवं पूर्व विधान पार्षद विनोद चौधरी, पूर्व विधायक इजहार अहमद सहित जदयू के कई नेता एवं कार्यकर्ता स्थल निरीक्षण किया। इधर देख रहे हैं 2005 से शायद देश में कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री इतना यात्रा अपने स्टेट का नहीं किया होगा, विकास यात्रा जितना नीतीश कुमार जी की है। इसी जगह 2009 में आए थे, उनका यात्रा है जो सात निश्चय है, खास करके समीक्षा यात्रा। कल मधुबनी में है, परसों दरभंगा में, परसों यही इनका कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं जो शौचालय बन रहा है, ODF की बात हो रही है कि घर घर शौचालय बन जाए, पीने का पानी मिल जाए। अब ये सब कल्पना तो कोई करता नहीं था। जहाँ हम लोग खड़े हैं ये वैसे भी सबसे दरभंगा का सबसे रिमोट और पिछड़ा हुआ एरिया हुआ करता था, तो इस बेल्ट में ही मुख्यमंत्री आ रहे हैं परसों। और मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री जिला में आते हैं तो आधा काम तो उसी डर और प्रेशर से हो जाता है, दिखाई भी पड़ जाता है। उनके यात्रा से बहुत सारा काम पीछे भी जब यात्रा हुआ तो उस प्रेशर में भी हो जाता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में दरभंगा के इस बेल्ट में और बेल्ट में भी जो काम है वो प्रोग्रेस का समीक्षा भी होगा, और आने वाले समय में जो बचा हुआ 3 साल है सरकार का, और जो बचा हुआ काम है वो पूरा होगा। ठीक का दिया हुआ था ना, खास करके आपको याद होगा कि पंचायती राज व्यवस्था में जब उन्होंने रिजर्वेशन दिया खास करके अति पिछड़ा और महादलित को, जितना एम्पावरमेंट उनका उससे हुआ, जितना अधिकार उनको मिला, तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री आ रहे हैं, चाहत है लोगों की, लेकिन उनका एक फिक्स टाइम में ही उनको कार्यक्रम करके आगे भी बढ़ते जाना है। तो इसलिए हम लोग वहाँ भी अभी थे पीछे कमलपुर में, तो वहाँ भी लोगों का जो वो है, तो एक तो चाहत है कि मुख्यमंत्री जहाँ आ रहे हैं इस जगह आएंगे तो रुके, उनकी बात सुने, उनके घर में बैठे, तो जो मुख्यमंत्री भी कोशिश करता है जाता है जहाँ संभव जो हो पाता है अकोमोडेट करने की कोशिश करता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इन लोगों का चाहत को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार राजनेता के ऊपर जो एक, उसको आप क्या कहते हैं, सोशल रिफॉर्मर, उसको हिंदी में क्या कहिएगा, जो समाज सुधारक, सुधारक उस वाले मोड में धीरे धीरे, पॉलिटिशियन तो है ही, कौन कभी देखा है कि नेता का काम है दहेज प्रथा बंद करो, नेता का काम है बाल विवाह बंद करो, नेता का काम है शराबबंदी करो, नेता का काम है जो लड़कियों को साइकिल दे करके, ड्रेस दे करके जितना मैक्सिमम है स्कूल पहुंचाती, ये सब जो काम करते रहे उसका जमीन पर इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ने पर रहा है जो शायद उसको शब्द में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक क्रांति हो रही जमीन पर जो शायद 10-5 साल के बाद कोई इतिहास लिखेगा तो वो कहेगा कि भाई इतनी बड़ी क्रांति हो कैसे गई, पता कैसे नहीं चला। वो क्रांति ही चल रही है, ये सब काम जो है मौन क्रांति जिसको कहता है, क्रांति हो रही है लेकिन हम आप उतना समझ नहीं पा रहे हैं, क्रांति करवा रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्रांति हो रही है। Thank you.
आपके गांव में मुख्यमंत्री का आगमन है, इसको लेके आप लोग की क्या तैयारी चल रही है? हम लोग गांव में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भगवान हम लोग मान रहे हैं, विकास पुरुष हैं, विकास किए हैं, पूरा नल जल देख रहे हैं, पूरा लग रहा है, सब खुशहाल में है। और क्या महादलित बस्ती में सड़क बनकर तैयार हो चुका है। घर घर नल की सुविधा एवं बिजली तार से घरों को रोशनी देने की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। भवानीपुर पंचायत के भवानीपुर गांव एवं कमलपुर गांव में जहां सीएम आ रहे हैं वहां तो लोगों में काफी हर्ष है, लेकिन इसी पंचायत के बगल में जो लोग हैं वहां के लोगों में मायूसी की काश सीएम मुख्यमंत्री उनके गांव भी होते तो आज उनके गांव की भी तस्वीर बदल गई होती। हालांकि लोगों ने उम्मीद जाहिर किया है कि जल्द ही उनके गांव की तस्वीर भी बदलेगी। ज्ञात होगी कुछ वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भवानीपुर पंचायत के कमलपुर गांव में आए थे। मुसहरी टोल में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्या कहें? देखिए 2009 में मुख्यमंत्री जी इसी पंचायत के भवानीपुर पंचायत के कमलपुर आए थे। उस समय अभी का समय में बहुत अंतर है, काफ़ी विकास हुई है। उस समय में विद्यालय का एक भी भवन कमरा भी नहीं था, आज के डेट में हर गांव में भवन निर्माण हो चुका है, शिक्षक भी हैं, अस्पताल नहीं था, उप स्वास्थ्य केंद्र खुला है, उसको अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा मिलना चाहिए। पंचायत भवन नहीं था, 1 करोड़ का लगभग पंचायत भवन बन रहा है, पुल पुलिया नहीं थी, पुल पुलिया बन गई है, विकास तो हुई है, बिजली नहीं थी, बिजली पहुंचाई गई है, सारे विकास दिख रहा है। अब रही बात पंचायत स्तर पे एक बैंक की जरूरी है, लोग गरीब गुरबे लोग जाते हैं 10 किलोमीटर पैसा निकालने के लिए, 4 घंटा 5 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, उसके बाद वहाँ से जब चलते हैं तो छीना झपटी भी हो जाती है। तो खास करके पंचायत स्तर पे एक बैंक की ज़रूरी है और एक कन्या उच्च विद्यालय की भी मांग है, हम लोग मांग रखेंगे मुख्यमंत्री जी से। और हालियन बादी क्या कहते हैं मुसहरी टोल में जो उत्साह है वो लोग किस प्रकार की तैयारी करके रखे? 3 दिन से लोग अपने घर का रंग रोगन करने में जुटी है, तो कोई महिला अपने घर में जो रखी चावल है उसको फटक रही है, जो हम मुख्यमंत्री जी आएंगे अपने हाथ से भोजन बनाएंगे उनको खिलाएंगे। खासकर 12 वार्ड के महादलित भवानीपुर के बस्ती में काफ़ी मुख्यमंत्री जी का जो है प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। वैसे 9 में पंचायत में भी महादलित हैं उसमें भी उत्साह है, लेकिन उससे ज़्यादा भवानीपुर, क्योंकि अगले बार कमलपुर महादलित से मिले, भवानीपुर महादलित से नहीं मिल सके, इस बार ये लोग पुरजोर मेहनत कर रहे हैं जो ताकि मुख्यमंत्री मेरे मोहल्ले में आकर के हम लोगों का दुख दर्द सुने। क्या नाम हो गया? संतोष मिश्रा। मुख्यमंत्री जी भवानीपुर पंचायत के कमलपुर वार्ड 12 और 9 में आ रहे हैं मुसहरी टोल।
भले ही उस दोनों पंचायत में काम हो रहा हो लेकिन अन्य वार्डों में काम नहीं हो रहा है। वहाँ तो लोग खुश हैं लेकिन अन्य वार्ड में नहीं काम होने से लोग मायूसी छा गई है। यही इनका मतलब विकास है। विकास तो हर वार्ड में होना चाहिए। एक तरफ मायूसी एक तरफ खुशी है। मैं उम्मीद करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि अन्य वार्ड में भी इसी तरह काम होना चाहिए। इसी पंचायत के अन्य वार्ड में दो वार्ड में काम हो रहे हैं, शेष 12 वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं। किस पंचायत में? भवानीपुर पंचायत के वार्ड 12-9 में हो रहे हैं, दलित बस्ती में। अन्य वार्डों में नहीं हो रहा है। एक तरफ हम लोग को मायूसी छाई हुई है, एक तरफ जहाँ बन रहे हैं वहाँ लोगों में खुशी है, उत्साहित है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से मांग करते हैं वहाँ कुछ विद्यालय हो। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, SSP सत्यवीर सिंह सहित जिला और अनुमंडल के कई बड़े पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री की कार्यक्रम से जुड़े सभी स्थलों का जायजा लिया और वहीं सभी पहलुओं को देखा। जिले के पदाधिकारी लगातार यहां रहकर 7 निश्चय कार्यक्रम को पूरा करने में जुटे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का दरभंगा में जहां वो पिछले बार ठहरे थे वहां पहुंच रहे हैं और वहां वो निरीक्षण करेंगे कार्यों का, जो कौन काम हुआ, कितना प्रगति हुई, विकास का क्या हाल है, वो स्वयं अपनी आंख से देखने के लिए आ रहे हैं। और उस क्रम में वो पूरा जो 7 निश्चय कार्यक्रम है उस निश्चय कार्यक्रम के अनुसार भी क्या हुआ है उसका भी समीक्षा करेंगे। और यहाँ आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री दरभंगा में 15 तारीख को वो समीक्षा बैठक करेंगे। 4:55 से उनका समीक्षा बैठक, लगभग समझिए 4:30 के बाद से समीक्षा बैठक चलेगा, देर शाम तक समीक्षा बैठक चलेगी। दूसरे दिन 10:30 के करीब वो वहाँ से दरभंगा से हेलीकॉप्टर से विदा होते हैं और यहाँ शिवनगर घाट आते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद वो गांव का निरीक्षण करेंगे, हर घर जल नल जितना जो कार्यक्रम विकास का हुआ है, बिजली का, सबका वो निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कहाँ क्या त्रुटि है हुआ है, उस हिसाब से जिला प्रशासन को निर्देश देंगे। उसके बाद यहाँ शिवनगर घाट में जो उच्च विद्यालय है वहाँ आम सभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद 12:45 में जो शेड्यूल है अभी तक जो उसमें हेर फेर हो वो निकल जाएंगे झखरा समस्तीपुर के लिए। यहाँ जो तैयारी है सो अंतिम चरण में तैयारी हमारी यहाँ लगभग पूरी हो चुकी है। प्रशासन के तरफ से जो तैयारी हो रही है उसके अतिरिक्त जनता दल यू के सारे कार्यकर्ता सारे नेता लगे हुए हैं लगभग 1 सप्ताह से इस तैयारी में। आज आप हमारे साथ देख रहे हैं जिला अध्यक्ष सुनील भारती जी हैं, तमाम इस प्रखंड के अध्यक्ष लोग हैं, तमाम साथी हैं, इससे पहले और नेता यहाँ के पूर्व विधायक वर्तमान विधायक सारे लोग आके, माननीय मंत्री मदन सहनी जी वो भी आए थे, सब देख के चले गए हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता जो है और उनका जो विकास कार्य हुआ है वो चरम पर में है और उसकी परिणति ये है जो लोगों में स्वस्फूर्त है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को देखे। और इतना उत्साह, मैं कई वर्षों से लगातार 3-4 दशक से यहाँ हूँ राजनीति में, लेकिन ऐसा उत्साह माननीय नीतीश जी के प्रति जो उत्साह है वो उत्साह मैंने इससे पहले नहीं देखा था।
जावेद लेती हूँ, नमस्कार।